माता सबकी शांति सिंह के सिर में या काकोरी कांड के पधारे हैं जिनका बहुत बड़ा कलेक्टर खेत की बात है। ये जो लोग कुछ और नहीं कर सकते, धर्म को शामिल जब करते हैं, जबकि कुछ जो लोग कुछ काम नहीं कर पाते, जो लोग गरीबों को अधिकार नहीं दे पाते, जो लोग रोजगार नहीं दे पाते, जो लोग विकास नहीं कर पाते, जो खुद फेलोर होते हैं, तो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए एक रास्ता है कि धर्म की नशे की शराब पिला दो लोगों को, आवाम को, जनता को, ताकि अपनी माओं का मांगना भूल जाएँ वो और ये अपना उल्लू सीधा करते रहें। बहुत दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, सब इनका तख्ता साफ हो जाएगा पूरा इनका। जो मनाने वाले उनसे पूछिए ना, मनाना कभी इन लोगों को, जो लोग मंदिर के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, जो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मतलब मनाना का मंदिर उनको आ गई है, जो लोग धोखा दे रहे हैं मतलब सारी जनता को, पूरे भारत के लोगों को, बनाना होता बन जाता मंदिर बनाने में किसको इतराज है। किसी मुसलमान ने मंदिर बनाने की विरोध नहीं किया कभी आज तक, कभी आगे किसी मुसलमान ने मंदिर बनाने का कोई मुखालफत कभी नहीं किया कि मांगिए। मंदिर बनाना है बनाए, और जब बात भेज चली गई सुप्रीम कोर्ट को, तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का उसको मानिए सब। लज्जा की बात, शर्म की बात है, ये राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र के लिए अपमान की बात है। और ये 91 साल पहले जिन लोगों ने, जो लोग शहीद हुए थे, जान कुर्बान की थी, उनके सपने थे, ख्वाब थे भारत के लिए, हम सब आज शर्मिंदा हैं सामने उनके, जो कुर्बानी उन्होंने दी, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, जिस हिंदुस्तान की का ख्वाब देखा था उन्होंने, हमने बर्बाद कर दिया उसको। आज ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद असाम्प्रदायिकता आतंकवाद वाज जिसने शिकार कर रखा है जिसने देश को, ये सब उनके ख्वाबों के विपरीत ही बात है आके, और हम शर्मिंदा हुए खड़े हैं सामने उनके रूह के सामने खड़े। और आज के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आज का नौजवान कसम खाए, प्रतिज्ञा करे, यहाँ की मिट्टी को अपने सर पर लगाए और कसम खाए कि हम भारत को उनके सपनों का भारत बना के रहेंगे, और गरीबी अमीरी का खबर बढ़ा के रहेंगे, और भारत में एक समाजवादी समाज की स्थापना करके